ध्यान में रखते हुए इस साल जेल के कैदियों को परिवार की कमी महसूस ना हो, इसके लिए जेल प्रशासन ने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन, मिठाइयां और तरह तरह की सुविधाएं दिवाली के दिन रखी हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर की जेलों के कैदियों और बंदी धूमधाम से ये त्यौहार मना रही हैं। इसी श्रृंखला में नागपुर के सेंट्रल जेल का भी यही हाल है। उनके द्वारा जेल में बनाई गई मूर्तियां और पूजे के सामान भी बिकने के लिए स्टॉल में तैयार हैं। दीपावली के पर्व को ध्यान में रखते हुए इस साल जेल के कैदियों को अपने घर परिवार की कमी महसूस ना हो, इसके लिए जेल प्रशासन ने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन, मिठाइयां और तरह तरह की सुविधाएं दिवाली के खास मौके पर रखी हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर की जेलों के कैदियों और बंदी धूमधाम से ये त्यौहार मनाते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नागपुर के सेंट्रल जेल में भी ये त्यौहार मनाने की परम्परा को कायम रखा गया है, जिसकी जानकारी कारागृह अधीक्षक ने इन बीसेन को दी। दरवर्षी आम्ही दिवाळी पहाट म्हणून हा कार्यक्रम घेत असतो बंद्यांच्या मनोरंजनासाठी। यावर्षीसुद्धा आमचा घेण्याचा मानस आहे। त्याचबरोबर आपण ज्या पद्धतीने दिवाळी आपण समाजामध्ये साजरा करतो, त्याच पद्धतीने आम्ही कारागृहामध्ये सुद्धा बंद्यांना आमच्या उपहारगृहाच्या मार्फत अनेक प्रकारचे जे वस्तू आहेत की जे आपण फरसाण आहे, चकली आहे, करंजी आहे, ह्या ज्या वस्तू आहेत त्या आमच्या उपहारगृहाच्या माध्यमातून आम्ही विक्रीस ठेवतो आणि ते आम्ही त्या बंद्यांना देत असतो। आणि त्याचबरोबर जेवणाची दिवाळीच्या निमित्ताने थोडंसं काही स्वीट वगैरे, गोड जेवण वगैरे अशा पद्धतीचं आम्ही आयोजन करतो। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।